हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक्सेस में आज आपको क्या सिखाऊंगा आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस को ओपन करना, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना है और ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको नए डेटाबेस का नाम दिखाई देगा, आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं। और ये उस डेटाबेस फाइल की एक्सटेंशन है .accdb, ठीक है। अब यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, मैं सेम नाम रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से व्यू पे जाएंगे, अब क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 यूज कर रहा हूँ तो इसीलिए यहाँ पर मैं टेबल का नाम चेंज कर देता हूँ, शॉप टेबल, शॉप टी कर देते हैं। तो ये शॉप टेबल हो गया और यहाँ पर ओके कर देते हैं। यहाँ पर आईडी आ रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी हो सकती है ये, और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम कर देते हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर लगा के लिखते हैं प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रखूंगा और यहाँ पर क्या आएगा, इसकी प्राइस आएगी। तो प्राइस को कौन सा डेटा टाइप रखेंगे, प्राइस को रखेंगे हम यहाँ से करेंसी डेटा टाइप, तो ये करेंसी रख दिया। और फिर यहाँ पे यूनिट करेंगे तो ये यूनिट हो जाएगा, और यूनिट कौन सा डेटा टाइप होगा, तो यूनिट यहाँ से नंबर डेटा टाइप होगा। और यहाँ से इसे बनाएंगे हम डबल, क्योंकि हम यूनिट पॉइंट में भी दे पाए इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। और यहाँ पे टोटल हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो टोटल यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हो, यही तो खासियत है 2021 की, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप है, इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। जरा देखिए, प्राइस को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए यूनिट से तो हमारा काम हो जाएगा, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट कर देते हैं और ये काम हो गया, ठीक है। यहाँ से ओके कर देंगे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कैपिटल पी लिखा है तो कैपिटल पी ही होना चाहिए, स्मॉल पी लिख देंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे कैपिटल पी करता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, कर्ली ब्रेसेस नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। ओके कर दीजिए, ये काम हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर ये हमने कर दिया है। अब मान लीजिए कि एक और टेबल हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक और टेबल हो, ये तो हो गया हमारा, ये शॉप टी हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो आएगा वो एक हो गया, ठीक है, और दूसरा यहां पर दूसरा हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, और इसको शॉप टू के नाम से सेव करते हैं, शॉप टी टू कर दिया हमने। और यहां पर फिर वही चीज, यहाँ पर आईडी आ रहा है तो ये हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे इस बार, ठीक है। और यहाँ पर फिर वापस नेम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये दूसरी टेबल है प्रोडक्ट की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, यहाँ पर भी प्राइस, ठीक है, प्राइस कर दिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्राइस को रखेंगे करेंसी डेटा टाइप और यहाँ पे रखेंगे यूनिट, ठीक है। और ये यूनिट रखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे नंबर डेटा टाइप और यहाँ पर डबल कर देंगे डी, ठीक है। तो ये डबल डेटा टाइप हो गया। और यहाँ पर टोटल करेंगे, ठीक है ना, तो ये टोटल कर दिया हमने। और टोटल हम वही जैसे हमने पिछली बार किया था अभी वैसे ही करेंगे, तो कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेंगे और यहाँ पर आकर के प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, तो ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइस हो गया और मल्टीप्लाई बाय यूनिट कर दिया हमने। और ये यूनिट देखिएगा, ये जो यू है वो कैपिटल ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फील्ड नेम हमने कैपिटल ही लिया है, यही सब चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी होंगी। तो ये दो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, दो टेबल्स बना ली। अब क्या करना है हमको, जरा ध्यान से समझिएगा। पहले वाले टेबल में आना है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ प्रोडक्ट नेम क्या लिखा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमने लिखा आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद आटा, ठीक है। तो ये लिख दिया आशीर्वाद आटा, और यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो आएगी, तो यहाँ पे प्राइस क्या रहेगा इसका, तो जैसे मान लीजिए इस आशीर्वाद आटा की प्राइस है 500 रुपए, ठीक है। यूनिट कितना है ये, 5 किलो, ठीक है, 5 किलो है, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिट की प्राइस पड़ेगी, ठीक है, तो 5 यूनिट है, तो आप 5 यूनिट यहाँ डाल सकते हैं और 5 यूनिट के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब 5 यूनिट के हिसाब से 2500 हो गया, लेकिन एक यूनिट की प्राइस आपको यहाँ पे डालनी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिट की प्राइस है आपकी, मान लीजिए 35 रुपए किलो, ठीक है। तो ये 35 रुपए किलो हमने डाल दिया यहाँ पर, ये देख सकते हैं, और इस हिसाब से यहाँ पे 175 रुपए का कुल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे बेसन लिखते हैं, बेसन, तो ये कर दिया बेसन। और बेसन की प्राइस कितनी है, तो यहाँ पे है 70 रुपए किलो, ठीक है। और यहाँ पर कितना, 5 किलो बेसन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये प्राइस आ गया है, देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीजें आएंगी, जैसे रिफाइंड ऑयल है, तो यहाँ पे कर देते हैं रिफाइंड ऑयल, ऑयल, और रिफाइंड ऑयल कितना है यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है ना। तो जो भी है यहाँ पर दे दीजिए, जैसे मान लीजिए रिफाइंड ऑयल है 150 रुपए का, ठीक है, और ऐसे 6 लीटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे 900 रुपए प्राइस आ गया है। इसी तरीके से शॉप टू में भी हमें देना है, जो भी प्रोडक्ट है उनको शॉप टू में भी हमें देना है, ठीक है। और एक चीज और हम देखेंगे, यहाँ पे टोटल जो फील्ड हमने लिया है,
यहां पर हमने कैलकुलेट किया है, तो प्राइस का पी कैपिटल कर दिया है, ठीक है, और यूनिट का यू जो है स्मॉल रखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आप आईडी डाल देते हैं, जैसे K01 कर देते हैं आईडी, क्योंकि हमने शॉर्ट टेक्स्ट लिया था इस वजह से, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं रिफाइंड ऑयल की, तो यहां पर लिख देता हूं रिफाइंड ऑयल, यहां पर पहले रिफाइंड ऑयल लिखा है, ठीक है, और यहां पर प्राइस 200 रुपए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5 लीटर की बात हो रही है, तो ये 1000 आ गया, ठीक है। अब यहां पे K02 करेंगे, तो ये K02 हो गया। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं सपोज कीजिए बेसन, यहां पर भी बेसन की बात कर लेते हैं, और यहां पर 75 रुपए किलो है, और यहां पर जो है 10.5 किलो की बात है, तो यहां देखिए 10.5 भी एंटर कर रहे हैं, तो वो भी आ जा रहा है, और पॉइंट में भी हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ये तो दो अलग अलग टेबल्स बन गई, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं, और यहां पर भी क्या करेंगे, इसको सेव करके क्लोज करेंगे, और यहां पर आकर के क्वेरी बनाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, क्वेरी बनाएंगे। तो ये क्वेरी में आएंगे, तो ये दोनों ही टेबल्स हमें लेनी होगी, ठीक है, ये दोनों ही टेबल ले लिया हमने, देखिए ये दोनों ही टेबल ले लिया। अब दोनों ही टेबल से क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, यूनिट चाहिए और टोटल चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्राइस, यूनिट और टोटल, ये सब चाहिए, ठीक है, इसका टोटल कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे फॉर्म विजार्ड में जा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म विजार्ड में जाएंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे इसको यस करेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे, ठीक है, इस क्वेरी को सेव करता हूँ शॉप क्यू के नाम से, शॉप क्यू, शॉप क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी, ठीक है, तो ये सारी ही फील्ड्स हमें चाहिए, ठीक है, और सारे फील्ड्स को लेकर के नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ मॉडिफाई करके यहाँ पर शॉप एफ करेंगे, तो एफ का मतलब हो जाएगा फॉर्म, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर सारी चीजें आ चुकी हैं, अब हमको क्या करना है कि ग्रैंड टोटल करना है, ग्रैंड टोटल कैसे करेंगे, ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, तो देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहां से जाएंगे और यहां पर ग्रैंड टोटल करेंगे। अब ये ग्रैंड टोटल होगा कैसे, ये भी सवाल है, तो यहां पर हम क्या करेंगे ना, ये यहां से जाएंगे और यहां पर इस तरीके से जाकर के राइट क्लिक करेंगे, और यहां से कहां चले जाएंगे, फॉर्म की प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे, फॉर्म की प्रॉपर्टी पे आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये, यहां से क्या करना है, हमें कंट्रोल सोर्स पे जाना, ये जो कंट्रोल सोर्स दिखाई दे रहा है, यहां पर 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये देखना होगा कि हमें ऐड किसको किसको करना है। सबसे पहले तो ये जो दिया है ना, ये जो लेबल है, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, क्लिक करेंगे और इस लेबल का नाम, ये देखिए कैप्शन में क्या आ रहा है, टेक्स्ट 17, इसको हटा देंगे, क्या देंगे, इसको मैं नाम देता हूं ग्रैंड टोटल, क्या नाम देंगे, ग्रैंड टोटल, TOTAL, ग्रैंड टोटल कर दिया। अब ग्रैंड टोटल करते ही यहां देखिए ग्रैंड टोटल आने लगा, ठीक है ना, ये हो गया ग्रैंड टोटल आपका। और यहां पर भी चाहे तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट 17 को ग्रैंड टोटल बना सकते हैं, तो GRAND ग्रैंड TOTAL टोटल, तो ये हो गया ग्रैंड टोटल। अब कंट्रोल सोर्स पे जाएंगे और यहां से इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर शॉप वन की प्राइस, और मतलब शॉप टी की प्राइस और शॉप टू की प्राइस दोनों को कैलकुलेट करना है, ठीक है, दोनों को जोड़ना है, तो यहां पे शॉप टी डॉट टोटल करेंगे, ठीक है, यही है ना, शॉप टी डॉट टोटल। अब देखिए यहां पर, यहां पर अगर हम जाते हैं तो इस फील्ड को क्या नाम दिया गया है, यहां पे देखिए कंट्रोल सोर्स में जो नाम दिया गया है वही हमें देना है, तो इसको यहां से क्यों ना कॉपी ही कर ले हम, तो ये कॉपी कर लिया हमने, और कॉपी करके यहां पर जब हम आएंगे और ये कंट्रोल सोर्स पे आएंगे और यहां पर आएंगे, तो यहां पर अब हमें ऐड करना है, तो यहां पे जो भी है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हमें दे देना है, ठीक है। तो नाम शॉप टी डॉट टोटल है, इसको हम यहां पे पेस्ट कर देते हैं और प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, तो अब सेकंड वाले पे जाना है, जरा देखिएगा सेकंड वाले का क्या नाम है, यहां पे देखिए ये है शॉप टोटल, दोनों को हमने जोड़ दिया, और यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पर टोटल प्राइस आपको नजर आएगी कैलकुलेट होते हुए, यानी कुल मिला के 1175 रुपए हुए। जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं सोच रहा हूं कि इसे डिफरेंट कलर भी प्रोवाइड कर दिया जाए और इसको थोड़ा सा शेप में लेके आया जाए, तो यहां से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, यहां पे जाकर के इसको छोटा करिए, और बाकी सारी चीजें तो शेप में दिख ही रही हैं। यहां पर हम एक कॉम्बो भी बना लेते हैं, कॉम्बो बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहां से जाकर के एक कॉम्बो बना ही लेते हैं, यहां पर गए और इस तरीके से आ जाएगा फाइंडर रिकॉर्ड, फॉर्म के बेस पे हम ये ढूंढेंगे, और बाकी किसके यहाँ पर प्रोडक्ट नेम के बेस पे खोजते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट नेम कर दिया और तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पे आ ही रही हैं, और यहाँ पर इसको हटा करके और यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा देंगे, तो ये भी एक आपके सामने ठीक ठाक जो है सर्च बॉक्स बन जाएगा ये आपके सर्च करने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज भी कर देता हूँ कलर वगैरह थोड़ा सा। अब ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से अगर जाएंगे ना तो जो भी सर्च करेंगे वही आएगा,
तो ये रिफाइंड ऑयल कहाँ का है ये भी आपको इसमें, अब देखिए ये जो है ना देख सकते हैं यहाँ पे जो शॉप टी डॉट लिखा है वो शॉप टी वाले टेबल का है और जो शॉप टी टू लिखा है वो दूसरे वाले टेबल का है, तो दोनों का ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा फॉर्म में जाके ग्रैंड टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना।